नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा आठवीं सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास खंड से अध्याय चार। शीर्षक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भाग एक। तो बच्चों, इसके पिछले पाठों में आपने देखा कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो अब हम देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे हुआ। तो सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 से 1608 के बीच इसका विस्तार हुआ, मतलब इसने जगह जगह व्यापार करना शुरू किया। भारत में व्यापार तो विस्तृत हो ही रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, साथ में इनका प्रशासनिक लालच अर्थात भारत के राज्य पर किसी तरह कब्जा करने का इनका जो लालच था वो शुरू हुआ। इन्होंने प्लासी की लड़ाई सन 1757 में सिराजुद्दौला के साथ की। उसके बाद बक्सर युद्ध सन 1764 में हुआ। यहाँ पे भारतीय राजाओं के गुट के साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ और ये दोनों ही युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुए। कैसे? दोनों में कंपनी की जीत हुई और भारतीय राजाओं की हार हो गई। इसके कई कारण थे, जैसे कि सिराजुद्दौला के साथियों ने, सैनिकों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ एन वक्त पे हथियार ही नहीं उठाया और अंत में सिराजुद्दौला को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह इन दोनों युद्धों में विजय के बाद ब्रिटिश कंपनी के हौसले बढ़ गए और उन्होंने कोलकाता को, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, तो कलकत्ता को अपनी राजधानी बना लिया और इन क्षेत्रों में कर वसूलना शुरू कर दिया। अब भारत में कलकत्ता को राजधानी बनाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया। कंपनी द्वारा कई प्रकार की कूटनीतियां अपनाई गई, जैसे संधि, मैत्री, आक्रमण और अनेक प्रकार की चालों के द्वारा भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया गया। देखिए, ये सन 1857 में भारत का मानचित्र है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो काली लकीर वाले हिस्से हैं, इन सभी स्थानों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। और जो सफ़ेद हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से देखिए उत्तर में कश्मीर दिख रहा है, फिर नीचे आइए राजपुताना, मालवा और नीचे आएंगे तो निजाम हैदराबाद, जिसको आज हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, और नीचे आइए मैसूर अर्थात कर्नाटक, और उससे भी नीचे जो छोटी सी एक सफ़ेद जगह आपको दिख रही है वो है त्रावणकोर, आज हम उसको कोचीन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हिस्से, और पूर्वोत्तर भारत में देखिए पूर्व के जो छोटे छोटे राज्यों का समूह है वो भी स्वतंत्र था। तो सफ़ेद वाले हिस्से स्वतंत्र थे और काली लकीरों वाले हिस्से पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में थे। अब कंपनी जब भारत पे शासन कर रही है तो कंपनी के शासन का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो भारत के सभी क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा, जैसे कृषि पर, वन पर, शिल्प पर, शिक्षा पर। देखिए कैसे पड़ा। कृषि में क्या प्रभाव हुआ? किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ा दिया गया, साथ ही उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। बाध्य किया गया अर्थात मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि किसान अगर अनाज की उपज लगाता था तो ब्रिटिश शासन को उसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन नील लगवाकर वे नील को कपड़ा रंगने के काम में इंग्लैंड लेकर जाते थे, इसलिए सभी किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। वनों के लिए क्या किया इन्होंने? अपने काम के लिए,
औद्योगीकरण को बढ़ाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। शिल्पकारों यानी कि दस्तकारों, जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, कपड़ा बनाने वाले बुनकर, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, इन सभी की कला को पूरी तरह इन्होंने दबा दिया। इनको किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि इंग्लैंड से जो बना हुआ सामान भारत आता था उस पर कर नहीं लगाते थे, तो वो सामान सस्ते पड़ते थे, और यहाँ के लोग जो हाथ से काम करते थे उस पर चुंगी कर लगाते थे। तो इस तरह भेदभावपूर्ण नीति से शिल्पकारी और दस्तकारी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में इस तरह के वस्त्र बुने जाते थे जिनकी बुनावट इतनी बारीक होती थी कि वो एक छोटी सी अंगूठी से एक पूरी साड़ी को निकाल देते थे। तो इतनी सुंदर कला को भी अंग्रेजों ने बर्बाद करके छोड़ा। और शिक्षा का क्या हुआ? जो हमारी पारंपरिक शिक्षा थी, जो वेदों पर आधारित थी, उस सभी शिक्षा को नष्ट कर दिया और पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कर दिया। ये है किसान की दुर्दशा, जो लगान और कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। और इसी प्रकार ये बुनकर है, बेचारा एक शिल्पकार जिसे काम के लाले पड़ गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों के मन में असंतोष आएगा, और असंतोष आएगा तो कुछ विद्रोह भी होंगे, मतलब विरोध करेंगे। किसका? शासन का। कौन विरोध करेगा? भारतीय लोग। तो पहले कुछ छुटपुट विद्रोह भारत में हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह, वहाबी विद्रोह, संथाल विद्रोह और मोपला विद्रोह। लेकिन ये विद्रोह ज़्यादा बड़े स्तर के नहीं थे, इसलिए कुचल दिए गए। देखिए, आप अपने स्कूल में राष्ट्रगीत का गान करते हैं, वंदे मातरम। ये क्या है? ये श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा है। ये हमारा राष्ट्रगीत बनाया गया। तो आनंद मठ की कथा वस्तु क्या है? ये है सन्यासी विद्रोह पर आधारित। सन्यासियों के ऊपर भी तीर्थ यात्रा करने, अपने धर्म का पालन करने को लेकर अंग्रेजी शासन ने कई तरह के नियम कानून लाद दिए थे। इन छोटे विद्रोहों के बाद में 1857 का समय आया, और यहाँ पर पृष्ठभूमि बनी एक बड़े विद्रोह की। वो कैसे? ये विद्रोह काफ़ी बड़े क्षेत्र में हुआ था, और इसमें बहुत सारे वर्गों के लोग शामिल हुए, चाहे वो आम जनता हो, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, या फिर राजा हों या सैनिक हों, सारे लोग इस विद्रोह में एकजुट हो गए थे। कैसे हो गए थे, इन सभी वर्गों की भागीदारी कैसे हुई, आइए देखते हैं। लेकिन पहले ये डाक टिकट देखिए आप। ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम की याद दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट है, और इसमें आप देख पा रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, और उनके साथ में एक फ़ोटो जो दिख रही है वो है बेगम हजरत महल। ये सभी 1857 के वीर योद्धा हैं। इस विद्रोह के कारणों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है बच्चों, अंग्रेजी शासन की नीतियाँ, किसानों और दस्तकारों की दुर्दशा, नागरिक और सैनिक सेवा में भारतीयों की उपेक्षा, सामाजिक व धार्मिक सुधारों का जनता द्वारा विरोध, भारतीय सेना में असंतोष, और विद्रोह का तात्कालिक कारण रहा चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है अंग्रेजी शासन की नीतियाँ। ये किस चीज़ का कारण है? विद्रोह का एक कारण है, प्रमुख कारण है, कि अंग्रेजी शासन ने कैसी नीतियाँ बनाई। उन्होंने सहायक संधि की नीति चलाई। ये सहायक संधि क्या थी? इसके द्वारा भारतीय राज्यों से कंपनी संधि करती थी। उस संधि में क्या होता था कि अंग्रेजी सेना राजा को
अपने यहाँ रखनी पड़ती थी। अब सेना रखेगा तो उसकी तनख्वाह कौन देगा? राजा देगा। तो इस तरह से राजा के ऊपर खर्चे का बोझ बढ़ जाता था। और बदले में अंग्रेज ये कहते थे कि अगर आपके पड़ोसी राज्य से आपका युद्ध होगा तो हमारी सेना आपका साथ देगी। इस तरह उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया। दूसरा है डलहौजी की विलय नीति। इससे शासकों में गुस्सा था। क्यों था गुस्सा? क्योंकि डलहौजी ने कई ऐसे नियम बना लिए जिनका हवाला देकर वह भारतीय राज्यों को कंपनी के राज्य में मिला लेता था। जैसे झांसी के राजा निसंतान थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो अब डलहौजी ने कहा कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होगा उस राज्य को कंपनी अपने शासन में मिला लेगी। तो बताइए ये कहाँ तक उचित था? अब अगर कोई राजा गोद लेता था, मतलब दत्तक पुत्र अपना लेता था, तो उसको भी ब्रिटिश शासन मंजूरी नहीं देता था। और यही कारण है कि झांसी और सतारा जैसे राज्य के शासक अंग्रेजों से नाराज हो गए। लगान व्यवस्था से किसानों में क्रोध था, क्योंकि उनकी उपज बढ़ाने के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया जाता था, जबकि लगान का बोझ बराबर उन पर डाला जा रहा था। अवध के नवाब को भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कुशासन का आरोप लगाया गया कि वो अपने राज का देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही बहाने से अंग्रेजों ने उनका राज्य भी हड़प लिया था, जबरदस्ती अवध पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजी शासन की नीतियों के अलावा किसानों और दस्तकारों की दुर्दशा एक बड़ा कारण था जिससे विद्रोह की भावना जागृत हुई। लगान का बोझ, अब लगान नहीं चुका पा रहे हैं तो साहूकारों से कर्ज लिया जा रहा है। अब कर्ज का भार पड़ गया, अब ये कर्ज वो नहीं चुका पाया तो फिर बंधुआ मजदूरी प्रथा, मतलब जब तक आपका कर्ज नहीं चुकेगा आप मुफ्त में अपने देनदार के यहाँ काम परिश्रम करते ही रहोगे। इस तरह किसानों की और दस्तकारों की भी दशा बहुत ही खराब थी। नील की खेती के लिए इनको मजबूर किया जाता था। अब इन सब परिस्थितियों में क्या हुआ? किसान अपना जमीन, अपने खेत, अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो दस्तकार थे उनके सामान पे कई तरह का कर लगाकर उनको प्रोत्साहन न देकर शिल्पकारों की दुर्दशा की गई। शिल्पकार मतलब हाथ से सुंदर सुंदर सामान बनाने वाले। तो पहले इनके सामानों की धाक, मतलब भारतीय सामानों की धाक, देश विदेश में थी। इंग्लैंड के हर घर में भारतीय सामान की धूम मची हुई थी। और उन्होंने यहाँ तक एक नियम बना दिया कि अब हम भारत का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका सामान खरीदने से हमारे देश का पैसा या सोना चांदी भारत चला जाता है। तो ये थी भारत के सामानों की धाक, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं सामानों को ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर नागरिक और सैनिक सेवाओं में भारतीयों की उपेक्षा की गई, मतलब उनको नहीं पूछा गया, उनको जो उनकी योग्यता थी उसके अनुसार पद नहीं देते थे, बल्कि उनको छोटे छोटे पदों पर नियुक्त किया जाता था। संख्या तो भारतीय सैनिकों की ज़्यादा होती थी, लेकिन तनख्वाह और पद दोनों ही काफ़ी कम होते थे। रजवाड़े नष्ट हो गए, क्योंकि उनको किसी भी तरह से कूटनीति से कंपनी ने अंग्रेजी शासन के अंदर ले लिया। तो फिर रजवाड़े अब क्या करते? उनके यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए और उनके मन में हताशा और क्रोध आ गया। भारतीय सैनिकों में असंतोष का और भी कारण था, जैसे कि उनकी संख्या ज़्यादा थी परंतु तनख्वाह कम थी। भारतीय सैनिकों को निम्न पदों पर काम कराते थे और कम वेतन देते थे। और हाँ, जो पारंपरिक रीति रिवाज थे, जैसे कि भारतीय सैनिक टीका लगाया करते थे,
पगड़ी बांधते थे और दाढ़ी रखा करते थे, तो इन सब चीज़ों पर अंग्रेजी शासन ने रोक लगा दी, तो इससे सैनिकों के मन में गुस्सा था। और एक काम हुआ कि सैनिकों को समुद्र पार करके विदेश भेजा जाता था, तो भारत की ये परंपरा थी कि समुद्र पार करना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो उस समय के रीति रिवाज के हिसाब से जब सैनिकों को बाहर जाना पड़ता था तो सैनिक और उसके परिवार दोनों ही इस चीज़ को नापसंद करते थे। अब सबसे खास बात है जो विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, इसे हम आगे देखते हैं। ये है एनफील्ड राइफल। ये नया नया राइफल ब्रिटिश शासन ने भारत में ट्रायल के लिए भेजा था, 1853 से ये बना था राइफल। अब इसमें जो कारतूस प्रयुक्त होता था उसके ऊपर चर्बी का कवर लगा होता था। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है कि सैनिकों को जब ये कारतूस खोलना होता था तो उसे अपने मुंह में लेकर छीलना पड़ता था। अब इससे क्या हो रहा था कि भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था और ये काम करना सैनिक जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो सैनिकों के मन में गहरा असंतोष भर गया और उन्होंने सोचा कि हम इस राइफल का प्रयोग ना करें। तो विद्रोह की घटना स्वाभाविक रूप से सबसे पहले सैनिकों के द्वारा ही शुरू हुई। कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता कहलाता था, कलकत्ता के बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नामक सिपाही थे और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कब इनकार किया? 29 मार्च सन 1857 को, ठीक है। अब उन्होंने इनकार किया तो अधिकारियों ने जबरदस्ती की। जब अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने इन्हें जबरदस्ती कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा तो मंगल पांडे ने उस अधिकारी पर गोली चला दी और उनके साथ खड़े एकाध और अंग्रेज पर भी गोली चला दी। क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई, फांसी की सजा दी गई 8 अप्रैल सन 1857 को। अब पूरे भारत में रोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। जो अन्य सैनिक भाई बंदे थे वो भी नाराज हो गए और इसकी परिणति हुई मेरठ छावनी की पूरी पलटन के द्वारा विद्रोह करके। और ये तारीख कौन सी थी बच्चों? 10 मई सन 1857। अब यहाँ पूरी पलटन ने अपने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया और ये दिल्ली की ओर बढ़ चले। अब जहाँ जहाँ ये बढ़ रहे थे तो अन्य जगह भी विद्रोह चालू हो गया। दूसरे लोगों ने भी मेरठ की पलटन का साथ देने की सोच ली। अब ये सारे लोग बढ़ के कहाँ जाने लगे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या था? दिल्ली हमारे शासन का केंद्र था, तो वहाँ वो गए। विद्रोहियों के द्वारा दिल्ली की ओर प्रस्थान किया गया। मानचित्र में आपको कुछ स्थान दिख रहे हैं जहाँ 1857 का विद्रोह प्रमुख रूप से बलवती हुआ था। देखिए पूर्वी हिस्से में कलकत्ता, कलकत्ता के पास बैरकपुर, ये है मंगल पांडे की छावनी। अब उसके ऊपर आरा, ये बिहार की जगह आपको दिख रही है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की जगह, बनारस उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद ये भी उत्तर प्रदेश में। अब ऊपर देखिए आप झांसी, लखनऊ और सबसे ऊपर आपको मेरठ दिखाई दे रहा होगा। मेरठ से ही पलटन दिल्ली के लिए निकली है। इन सब का मकसद क्या है? इनका मकसद है कि पहले हमारे देश में मुगलों का राज था, अंग्रेजों के आने से पहले उनकी ये सोच थी कि बहादुर शाह जफर जो उस समय बादशाह रहते उनके ही हाथों में दिल्ली की सत्ता सौंप दी जाए और कंपनी को भगा दिया जाए। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीय जनता का असंतोष, असंतोष के कारण, सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई क्रांति को प्रबल जन समर्थन और दिल्ली की ओर कूच करना। तो कुछ कक्षा कार्य कर लेते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न,
ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को खाली स्थान की खेती करने को विवश किया? इसका उत्तर है नील की खेती। दूसरा प्रश्न, मंगल पांडे ने खाली स्थान वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसका उत्तर है चर्बी वाले कारतूस। तीसरा प्रश्न, विलय नीति चलाने वाले गवर्नर का नाम खाली स्थान था और इसका उत्तर है डलहौजी। चौथा प्रश्न, खाली स्थान के बोझ से किसान की स्थिति खराब थी। उत्तर है लगान के बोझ से। अब गृहकारी के प्रश्न। प्रश्न पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किसानों की दशा कैसी थी बताइए। प्रश्न दूसरा, अंग्रेजी शासन द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए उपाय का विरोध किसने किया। प्रश्न तीन, 1857 के सैनिक विद्रोह की घटनाओं का नाटक के रूप में प्रस्तुतीकरण कीजिए। यहाँ हमारी कक्षा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।